फिर से 100 के पार हुआ। प्याज की कीमतों में फिर से बड़ी तेजी देखी जा रही है क्योंकि पूरे भारत में खुदरा और थोक मूल्यों ने महानगर को भी प्रभावित किया है। इसी के साथ अब ग्रहणियों के लिए बुरी खबर है क्योंकि प्याज एक बार फिर आपको रुलाने के लिए तैयार है, जिसके कारण हर घर का बजट भी हिल चुका है क्योंकि इस बार प्याज की फसल की पैदावार कम हुई है, जिसके कारण प्याज एक बार फिर आपको रुला रहा है। प्याज की आसमान छूती कीमतें रुला रही है महंगाई के आंसू। हर प्रकार की सब्जी में प्याज की जरूरत होती है, लेकिन प्याज की कीमतें सभी के लिए सिरदर्द बन चुकी है। जहाँ ये प्याज कुछ दिन पहले तक 10 से 15 रुपए तक बिकता था, वही प्याज अब मंडियों में 85 रुपए व बाजार तक आते आते 120 रुपए तक पहुंच जाता है, जिससे अब हर व्यक्ति चिंतित है। इसी के साथ व्यापारियों के मुताबिक अब प्याज तुर्की, पाकिस्तान व अफगानिस्तान से आ रहा है और जाने कब तक प्याज के दाम कम होंगे। देखिए यह रिपोर्ट। एक्चुअल साउथ में जो बारिश हुई आज से 1-1.5 महीना पहले, बेंगलोर साइड में बहुत बारिश हुई है, उस कारण काफ़ी तबाही हुई थी। बारिश के कारण काफ़ी प्याज खराब हुआ था, यही मेन कारण है प्याज का रेट बढ़ने का, यही मेन कारण है। अभी तक तो 10-15 दिन तक कोई आसार नहीं है कोई रेट कम होने के, यही रेट चलेगा। बाकी अगर कोई नई फसल में पीछे गुजरात में या कहीं नासिक में सुधार आता है, फसल बढ़ती है, तो फिर रेट कम आएंगे, नहीं तो नहीं। हाँ, वो पहुँच चुका है, पर वो डिमांड जितनी डिमांड चाहिए उस हिसाब से कम आ रहा है। ये अफगानिस्तान का प्याज है वाया पाकिस्तान, और उधर से पाकिस्तान से अमृतसर वगैरह से आगे आया आता है। और ये टर्की का प्याज है वो भी कम ही है, ज़्यादा नहीं आ रहा, 2-3 गाड़ी आ रहा है। उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं है, बिल्कुल ही ठीक ठाक है प्याज। अभी 10-15 दिन तक तो कोई आसार नहीं कम होने के, उसके बाद कुछ कह सकते हैं, शायद थोड़ा बहुत नीचे आ जाए। वो कारण है, अगर वो परचून वाला जो बेचारा रेड़े ठेले पे लेके जाता है या परचून की दुकान करता है, बैग खोलने पर उसको काफ़ी प्याज बीच में से ख़राब भी निकलता है, जो बारिश का ख़राब हुआ होता है, उस कारण अब उसको अपनी मजबूरी होती है, थोड़ा रेट बढ़ा के बेचेगा तभी उसको कोई फ़ायदा होगा, नहीं तो नहीं कोई फ़ायदा होगा।